तो स्वागत है मेरे भाइयों का वेस्प गेमर के चैनल पर। और भाई आप मेरे सामने ये जो शहर देख रहे हो ना यार, इस शहर का नाम है लॉस सैंटोस। और भाई मुझे है ना सिर्फ एक हफ्ता हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो इसीलिए यार मुझे है ना कुछ ज्यादा खास पता नहीं है शहर के बारे में। बट यार मेरा एक दोस्त है फ्रैंकलिन, यार वो ना यही पे रहता है, इसलिए भाई वो ना हमारी थोड़ी बहुत तो मदद कर देता है। और भाई अभी अभी मेरे पास है ना यार फ्रैंकलिन की कॉल आई थी यार, वो अभी पता नहीं हमारे घर पे आया हुआ, और वो बोल रहा था कि हमें ना किसी पार्टी में लेके जा रहा है, उसका दोस्त आया हुआ तो फिर अपने साथ चलने के लिए इनवाइट कर रहा था, तो हम भी भाई एग्री हो गए उसके साथ चलने के लिए। बाकी यार देखो ये वाला भाई हमारा पर्सनल व्हीकल है, मतलब हमारी गाड़ी यार। बाकी यार रास्ता तो यार देखा जाए ना तो काफी ज्यादा सुनसान है। बाकी पता नहीं यार ये फ्रूट स्टॉल किसने लगाया हुआ इतने सुनसान रोड पर। कोई बात नहीं यार, हम अपनी गाड़ी अनलोड करते हैं और भाई फटाफट चलते हैं। और भाई देखो घर पे जाने से पहले है ना यार मुझे अपने लिए है ना भाई थोड़े कपड़े लेने हैं। मतलब भाई ऐसे कपड़े पहन के तो मैं नहीं जाने वाला यार पार्टी में। एक सेकंड इसे निकालने देते हैं। तो यार देखो मैंने ना यार एक लोकेशन मार्क की हुई है, तो भाई उसी लोकेशन पे चल के और ना अपने लिए कुछ पार्टी वियर टाइप के है ना कुछ लेते हैं। मतलब कोट पैंट एक बाय कर लेंगे, क्योंकि भाई अभी तो मेरे पास है ना ऐसी ड्रेस है नहीं है कि मैं उससे पहन के पार्टी में जा सकूं। एक सेकंड यहाँ से भाई मुझे लेफ्ट लेना है, बट एक सेकंड राइट से कोई एक गाड़ी आ रही है, फटाफट मैं टर्न ले लूं। बस भाई बढ़िया यार। एक पता है क्या, अभी अभी आया ना तो इतना हमें यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं, रास्तों के बारे में पता नहीं है, तो फिर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, तो थोड़ा भाई संभल के रहना पड़ेगा। बाकी यार यहाँ का माहौल तो देखो, मतलब यार देखो मैं अभी है ना उन पहाड़ी इलाकों पर था भाई, वहां से ना एक नंबर का नजारा आ रहा था भाई पूरे पूरे लॉस सैंटोस का, इसलिए वहां पे भाई मैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था यार इस सिटी को। और एक सेकंड भाई मुझे है ना देखो यही से भाई लेफ्ट लेना है। हाँ एक सेकंड मुझे ना लेफ्ट लेना है, लेकिन रेड लाइट है यार, मैं क्रॉस करूँ। फाइनली भाई यार इतनी देर हो गई ना रेड से ग्रीन होने में काफी ज्यादा। और भाई देखो इस वाली शॉप की बात कर रहा था मैं, और मैं यार मुझे ना गाड़ी पार्क करवानी है भाई, मैं कहाँ पे करवाऊँ? एक सेकंड यार ये है ना पंगे लेगी भाई खड़ी होने में। एक सेकंड बस थोड़ा सा, मेरे ख्याल से हो जाएगी यार। वैसे भी यार हमें ना ज्यादा देर का काम नहीं है यहाँ पे, बस अपने लिए कपड़े लेके और अब आ गए, और इसे ना लॉक करवा देते कभी कोई और चुरा ले जाए। अंदर जाते और अपने लिए ना अच्छी सी मतलब कोट पैंट चूज करते हैं। तो आंटी मेरे लिए अच्छे से कपड़े दिखा। अरे भाई खुद लेने पड़ेंगे क्या? यार देखो डिस्प्ले में ना यहाँ पे कुछ कपड़े लगे हुए हैं। यार देखो मुझे नहीं पता कि ये भाई कैसा लग रहा है, बट भाई मैंने ना अभी के लिए तो यही सिलेक्ट किया है ना, लेके चलते हैं क्योंकि भाई हमारे पास है ना इतना भी टाइम नहीं। मुझे तो लगता है सुबह भी होने वाली है, तो मैं ना इस आंटी की पेमेंट कर दूं। ओए बता कितने हो गए? लो भाई आंटी है ना पेमेंट भी हो चुकी है। अब भाई जल्दी से अपनी गाड़ी उठाते हैं और भाई चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन भी वेट कर रहा है हमारा। और एक सेकंड मैं ना इसे अनलॉक करवा लेता हूँ और ना उस साइड से बैठ जाता हूँ ना यार, फटाफट करनी पड़ेगी भाई मुझे, मैं ना काफी लेट हो चुका हूँ। देखो यार दिन भी हो चुका है। चल भाई अब चलते हैं, निकलते हैं यार यहाँ से। सच में यार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भाई इतनी ज्यादा ये रेड लाइट है ना भाई, काफी ज्यादा भाई। अगर मैं इनको ही फॉलो करता रहा ना, देखो यार ये एक और आ गई यार, काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं भाई, ये वाली तो हो गई यार। मुझे ना थोड़ी स्पीड भी लिमिट रखनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो ये पिंजरे में डाल देंगे यहाँ की पुलिस मुझे। मेरे ख्याल से यार मैं बस पहुंच ही गया। अरे यार ये फिर से एक और लाइट। भाई देखो यार अगर मैंने रेड लाइट क्रॉस की ना तो भाई देखो चालान तो कटना तय है, तो कोई बात नहीं भाई हम पे कर देंगे। पर भाई मैं ना सारी की सारी जितनी भी रेड लाइट है भाई इन्हें क्रॉस करके फटाफट पहुंच रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ भाई। मुझे भाई ऐसा लग रहा है, हाँ भाई हम ना देखो पहुंच ही गए। अरे बढ़िया भाई ग्रीन हो गई हमारे आते। और भाई देखो ये जो लेफ्ट में हम ये घर देख रहे हो ना भाई, यही हमारा घर है और यही से हम टर्न ले लेते हैं। बस और एक सेकेंड यार ये व्हाइट वाली गाड़ी किसकी आई है भाई? व्हाइट तो सिर्फ मेरे पास है, एक ब्लैक भी है देखो ये री। रुको भाई मैं ना अपनी वाली को पार्क करवा देता हूँ जल्दी से अपने गैराज में। और बस चल भाई इसे कर दे लॉक, वैसे गैराज में से भी कोई भी नहीं लेके जाएगा। और एक सेकंड यार मुझे देखना वो गाड़ी किसकी है। अरे सुंदर है यार भाई, ये मर्सिडीज है भाई। अभी क्या फ्रैंकलिन लेके आया क्या ये? भाई साहब गाड़ी बड़ी मस्त है। एक सेकंड यार बात करने दो। फ्रैंकलिन कहाँ पे है भाई? अरे ये बैठा है ना। अरे फोन पे लगाओ। अरे इसका पापा भी आया, कोई बात नहीं साथ में मिलके चलेंगे। अरे यार अभी तो ये फोन पे बात कर रहा है, कोई बात नहीं अभी इसे फोन पे बात करने दो, फिर मैं इससे पूछता हूँ कि कहाँ पे चलना है। ये ब्रीफकेस तो मेरा नहीं है, इसी का होगा। भाई यार मेरी है ना फ्रैंकलिन से बात तो हो चुकी है और भाई इसने बता भी दिया हमें कहाँ पर जाना है। और यार ये बैग भी इसी का था, मैं ये हाथ में लेके खड़ा है ना, पहले टेबल पे रखा था। और भाई ये ब्राउन जैकेट वाला भाई ये इसका पापा नहीं है, ये इसका दोस्त है भाई। तो सॉरी भाई अंकल मतलब भाई,
जो भी है यार, तो भाई ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। अब यार बिना किसी देरी के ना यार चलते हैं। और भाई मैंने ना फ्रैंकलिन को यार बोल दिया कि भाई भले ही गाड़ी तेरी हो लेकिन भाई चलाऊंगा मैं। और यार मैंने ना इससे इसकी वो गाड़ी की भी ले ली है। और यार ये ना इसकी पर्सनल व्हीकल नहीं है, मतलब इसकी खुद की गाड़ी नहीं है ये यार, मतलब कि अपने ही किसी दोस्त से ले गए आया हुआ। और यार मैं ना भाई इसे अनलॉक करता हूँ। हो जा और आ जा भाई, जल्दी आ जा यार। चलो भाई बैठते हैं। अरे भाई साहब इंटीरियर भी काफी ज्यादा प्यारा है यार इसका। अरे साउंड भाई, साउंड सुनो यार, एक नंबर भाई। और यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके हैं। चलते यार निकलते हैं। रुको यार, मुझे ना काफी ज्यादा संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्रैंकलिन की होती तो यारी दोस्ती में थोड़ा माफ वगैरह भी कर देता, बट यार ये किसी और की लेके आया ना, इसलिए भाई थोड़ी प्यार से चलानी पड़ेगी। बट एक सेकंड यार, हमें जाना किस तरफ है? देखो यार इसने ना हमें एक लोकेशन बताई तो है, तो भाई निकलते हैं। बाकी यार थोड़ा ध्यान से ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये महंगी काफी ज्यादा यार, हमारा घर नीलाम हो जाएगा, इतनी महंगी है। और भाई यार एक और बात इसने बोली यार, लगता है कि भाई हमारे साथ कोई मतलब पावरफुल बंदा है यार। ये बोल रहा है कि इसकी यहाँ के बंदों के साथ ना थोड़ी क्या यार, काफी जान पहचान है। तो देखो ऐसे यार, ये जो रेड लाइट आ रही है ना, बस मुझे ना ये ठोकनी नहीं है। अभी ये ठोक जाता यार, ये ना गाड़ी थोड़ी बचा के चलनी है, बस ये ठोकनी नहीं है। बाकी यार रेड लाइट क्रॉस वगैरह मैं ना इजीली कर सकता हूँ। कि अरे यार यार तगड़ी तगड़ी गाड़ी है भाई अभी। और भाई निकलते हैं अपने उसी दोस्त के पास, मतलब फ्रैंकलिन के दोस्त के पास। और एक सेकेंड मैं क्रॉस कर लूँ ना, कभी बेटा पीछे से कोई वीडियो बना दे। नहीं नहीं चल भाई, कोई नहीं देख रहा। अरे यार ये कुछ भी बोलो भाई, इसकी साउंड और इसकी पावर एक नंबर है भाई। यार देखो अभी तक तो यार मैं ना सारे के सारे भाई ये रेड लाइट तोड़ रहा हूँ, बस यार ऐसा ना हो कि पुलिस मेरे घर पर ही बैठी मिले। अरे एक सेकंड, यहाँ से भाई थोड़ी ना तमीज में निकालनी पड़ेगी। और रुको इनके बीच में से, नहीं भाई रिस्क नहीं ले सकता, कोई बात नहीं। अरे ग्रीन होगी, चल ना। ओए अबे यार पूरा सुन हो के बैठा है यार, कोई बात नहीं भाई। और एक सेकंड, यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो, अरे यार रस्तों का भी तो पता नहीं चल रहा, मैं यहीं से ले लेता हूँ ना, उसी तरफ जा रहा है रास्ता भी। बाकी यार लुक तो काफ़ी अच्छी है। अरे आगे ध्यान दे, कोई भटका जाएगा। और रुको मुझे ना फिर से लेफ्ट टर्न लेना है, तो यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा? नहीं कोई भी नहीं है, चल भाई। अरे यार ये किस जगह पर लेके आ गए यार ये हमें। बस भाई मुझे ना यहाँ से देखो राइट टर्न लेना है, और संभाल के, अबे ठोक मत दियो, सीधा चला। अरे हमें सीधा जाना है, मुझे लगा इस तरफ जाना है, कोई बात नहीं। अरे यार एक सेकंड, कुछ प्राइवेट मामला भाई सामने। ओए साइड में होके चला बेटा, उतार के लेके जाएगा यार ऊपर से। एक सेकंड भाई, मेरे को ना फ्रैंकलिन ने यहाँ की लोकेशन दी है। एक सेकंड यार, ऊपर है ना पार्क एयर भी लिखा हुआ है, तो मैं जाऊँ ना भाई? यहाँ पे कुछ बाउंसर वगैरह यार, अभी गन भी है इनके साथ। यार देखो कुछ बोल तो नहीं रहे, तो भाई मैं ना यहाँ पे पार्क करवा देता हूँ यार। भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, रुको मैं ना यहीं पे पार्क करवा देता हूँ उतरते। अरे एक सेकंड, इसका फ्रेंड तो अंदर ही रह गया, आजा भाई। अरे फ्रैंकलिन बता भाई। यार मैं ना गाड़ी लॉक करना ही भूल गया, रुको यार ऐसे चोरी हो जाएगी। बस भाई भाई फ्रैंकलिन यार क्या पंगा ये बताना यार, ये बस बता रहा है कि ये सारी की सारी सिक्योरिटी जो तो हम देख रहे है यार, ये इसी के फ्रेंड की। और भाई देखो सामने है ना एक याच खड़ी है भाई, वो शिप टाइप की भाई, हमें वहां पर जाना है। और उसके फ्रेंड ने ये चोपर भेजा है, हेलीकॉप्टर भेजा भाई, हमें इसमें जाना है। भाई साहब यार एक बार गाड़ियां तो देखो यार इनकी, भाई पता नहीं यार मुझे यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही खतरा दिख रहा है यार, बंदे भी यहाँ पे फोटो खिंचवा के जा रहे हैं। और यार गन्स वगैरह भाई साहब काफी चीजें यार। भाई यार देखो फ्रैंकलिन तो यार हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ यार बातों में बिजी है, बट यार इस तरफ तो देखो यार कितनी सारी गाड़ियां यार इनके पास। सच में भाई इनकी गाड़ियों के सामने हमारी गाड़ी तो यार कुछ भी नहीं है यार, देखो वो मर्सिडीज बीच में खड़ी हुई है। और यार इनके पास देखो यार वो वाली गाड़ी पता नहीं कौन लेके आया, पूरी क्लासिकल है। और यार लैम्बोर्गिनी भी है, पता नहीं भाई अलग ही अलग गाड़ी है। अरे हमर भी है भाई। बाकी देखो यार हेलीकॉप्टर भी चालू हो चुका है, और भाई दोनों के दोनों बैठ भी गए यार, फटाफट हम भी बैठते हैं और भाई चलते हैं। भाई यार 10 घंटे हो चुके हैं इस आदमी को, लेकिन भाई उड़ा ही नहीं रहा। पता नहीं यार आता भी है नहीं आता इसे उड़ाना, अबे रास्ता तो मालूम है ना तेरे को। यार इसकी सिक्योरिटी सच में भाई, यार देखो ऊपरी स्नाइपर लेके खड़े है भाई साहब, क्या ऐसे ही झुला रहा है क्या? अरे उड़ा दिया, आता तो है यार इसे चलाना। यार नजारा देखो भाई ऊपर से मजेदार यार। अरे ओए ओए ओए
अरे कैसा टेक ऑफ था ये? अरे यार ये तो ऐसे मरवा देगा भाई। यार देखो सामने से भाई लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट भी दिख रहा है, नजारा ही अलग है। और यार देखो उस तरफ देखो भाई, एक और याच है यार, लेकिन हमारे वाली यार सामने की तरफ है हमारे वाली याच। ओ ये भी यही पे बैठा है, चल कोई नहीं मजे ले ले बेटा। देखो हम बिल्कुल समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। वैसे यार देखो मुझे लग रहा है ना कि भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा यार वहां तक जाने में, कोई बात नहीं। फाइनली भाई देखो हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी पार्टी है। देखो भाई नीचे यार वो पूरी पूरी याच खड़ी है भाई, हम ठीक उसके ऊपर खड़े हैं। बाकी यार ये पायलट है ना अभी नीचे लैंड नहीं करवा रहा, बोल रहा है कि है ना नीचे से कोई आदमी सिग्नल देगा तब जाके लैंड करवाना हमें ये चोपर। तो इसका दोस्तों यार काफी ज्यादा अमीर निकला। देखो यार आगे वाले हेलीपैड पे एक और चोपर खड़ा है। यार देखो हमारा हेलीकॉप्टर तो भाई लैंड कर चुका है इस याच पर। बाकी यार आप सामने का नजारा तो देखो यार, उस तरफ यार वो माउंटेन्स और भाई इस तरफ अपने वो सिटी जहाँ से हम आए हैं। और यार देखो हम जब चोपर में बैठे थे ना भाई, हमें एक याच दिख रही थी ना, देखो वो भी पूरी सामने की तरफ दिख रही है। बाकी यार फ्रैंकलिन और उसका दोस्त यार वो ना मेरे से पहले ही जा चुके हैं, मैं रुक गया था क्योंकि भाई मैं यहाँ से ना थोड़ा बहुत सीन देख रहा था। और यार फ्रैंकलिन ने ना मुझे देखो अपना वो सूटकेस भी दे दिया, बोल रहा था कि नीचे आते आते लेके आऊँ, कोई बात नहीं भाई ले चलते हैं। और एक सेकंड भाई उसने ना मुझे देखो बताया था यार, उसने बताया था जकूजी के सामने वाला रूम। एक सेकंड यार जकूजी तो मेरे को सामने दिख गई, इसके नीचे अरे भाई मुझे लगता है ना देखो बाकी जो गेस्ट होंगे ना यार वो पक्का इसमें बैठ के आए होंगे इस बोट में। और यार देखो जकूजी तो यही पे और इसके सामने ये रूम मिल गया। देखो यार मैं अभी अभी एंट्री ली और देखो लेफ्ट और राइट भाई तो सिक्योरिटी गार्ड शूट कर लेके खड़े है यार। उत्तरी भाई साहब पर भी लेके खड़े है भाई। देख हम दोस्त है, हमने कुछ नहीं किया ठीक है ना, सर मत हो जाइयो कभी। और ये भाई देखो ये जमी हुई यार इनकी महफिल। अरे ये रहा ना फ्रैंकलिन भाई, जाओ ना। ओए चलो भाई अच्छा हुआ आने दिया। ओए कद्दू ये क्या कर रहा है भाई, अच्छा डांस कर रहा है, अलग ही स्टेप है। अरे भाई मस्त डांस चल रहा है भाई यहाँ पे तो। बाकी यार मैं ना इस बैग को यार यहीं पे रखवा देता हूँ टेबल के ऊपर। लो भाई फ्रैंकलिन ने हमें जो बैग दिया था ना भाई वो भी मैंने टेबल पे रख दिया। बाकी यार देखो तो फोटो शोटो यार खूब चल रहे है यहाँ पे। एक सेकेंड भाई यार फोटो इन लोगों का चल रहा है भाई, ये आंटी क्यों पोज बना रही है? और दद्दू भाई तू थोड़ा धड़कनों पे ध्यान रख, वैसे भी समंदर में खड़े हैं, एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं होगा। देखो यार मैं तो ना यहाँ पे आराम से बैठ के यार इन लोगों का डांस देख रहा हूँ, लेकिन भाई दिमाग खराब तो इस दद्दू को देख के हो रही है। अबे नहीं बस की तो आराम से जाके बैठ जा ना, 10 घंटे हो गए रुक ही नहीं रहा जब से मटक रहा है भाई। यार मेरे से नहीं झेला गया यार वो आदमी, तो भाई मैं तो इसी तरफ आ गया यार। बाकी है ना देखो रात भी यार काफी हो चुकी है यार, वैसे हमें यहाँ पे ना काफी ज्यादा टाइम हो चुका है यार आए हुए, हम दिन में आए थे। अभी यार वो दद्दू कहाँ पे गया, मर गया पता नहीं भाई। यार मुझे लग ही रहा था कि भाई हमें से कोई कम है यार, इसका दोस्त कहाँ पे है, वो एक और था ना भाई। यार मैं तो ना फ्रैंकलिन से पूछ ही रहा था कि इसका वो दोस्त कहाँ पे है। यार ये बता रहा है कि अभी हम हेलीकॉप्टर में आया ना तो उसके सर में दर्द हो रहा था, तो अभी तो वो ना रेस्ट कर रहा है बेडरूम में। और यार ये बोल रहा था कि सीढ़ियों से नीचे जाके है ना हमें राइट की तरफ लेना है। सीढ़ियाँ तो आ गई बट भाई यहाँ से तो हमने एंट्री की थी ना राइट। अरे इस तरफ है भाई एक जगह है भाई, एक रुको बेडरूम भी है भाई। और अरे भाई साहब मेरे को लगा कि ये मर गया भाई, मेरे को तो इसका डांस देख के लग रहा है जल्दी इसका दिया भी बुझने वाला है भाई। भाई हम निकल लेते कभी हमारे सर हो जाए, कोई बात नहीं बुड्ढे तेरी मैयत में मैं जरूर आऊंगा। बाकी भाई चल के अपने दोस्त को ढूंढते हैं, पता नहीं यार कहाँ पे गया। यार बेडरूम एक ही है क्या यहाँ पे, एक सेकंड यार और भी रूम है तो बेडरूम तो नहीं है इसमें। अरे है, अरे ये रहा भाई ये सो रहा। यार फटाफट ना इसे उठाते और यार जल्दी से निकलते हैं यार यहाँ से। बाकी यार मैंने इस आदमी को उठा तो दिया है लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि तुम लोग चलो, ये हमें डायरेक्ट है ना चोपर के वहां पे मिलेगा। और यार मैं ना जल्दी से जाके फ्रैंकलिन को भी बुला लेता हूँ क्योंकि भाई हमें देखो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है यार यहाँ पे। और हाँ ऊपर की तरफ जाना ना यार, मैं जल्दी से जाके ना फ्रैंकलिन को बुला लेता हूँ और भाई निकलते हैं यार यहाँ से। ऑलरेडी भाई हमें यहाँ पे ना काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका है और यार टाइम के साथ साथ मस्ती भी काफी हुई है। तो चल भाई फ्रैंकलिन यार कितनी और बातें करेगा यार इन लोगों की, सच बता रहा हूँ यार काफी देर हो चुकी है यार बातें करते हुए। भाई देखो यार हम दोनों तो बैठ चुके हैं चोपर में लेकिन यार बाहर तो बारिश हो रही है, हम तीनों तो आके बैठ चुके हैं और भाई वो पायलट भी बस आने ही वाला थोड़ी देर में। आ गया भाई, अबे भाई जल्दी आ जा यार ऑलरेडी हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। देखो भाई
बाहर की तरफ अंधेरा देखो यार, कितना ज्यादा हो चुका है, जल्दी कर भाई। फाइनली भाई हमने ना याद से भी टेक ऑफ ले लिया और भाई अब चलते अपने गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं भाई अपने घर की ओर। लो भाई सेफली है ना हमारी लैंडिंग भी हो चुकी है और भाई वो दोनों जाके वहां पर खड़े हो गए। मैं रुक गया था क्योंकि भाई मुझे इनको थैंक यू बोलना था, तो थैंक यू सर जो आपने इतनी अच्छी तरीके से ड्राइव किया। मतलब भाई क्या बताऊं, शुरू में तो इसने धक धक करती थी भाई, फिर भी यार काफी मदद की यार इसने भी। अरे यार काफी लोग वापस भी जा चुके और भाई हम अपनी गाड़ी उठाते और भाई निकलते अपने घर की ओर। चलो भैया बना अपनी गाड़ी उठाते और भाई निकलते हैं क्योंकि यार देखो मतलब भाई एक ही दम यार ये बारिश भी शुरू हो गई। ओए गोलियां मार रहा है यार ये किसी, ओए मुझे मार रहा भाई ये, रुक भाई, ओए जल्दी जल्दी बैठ बैठ बैठ। अरे भाई फ्रैंकलिन जल्दी बैठ भाई, अभी यार ये क्या सीन है यार, ये क्या बदतमीजी है भाई, अबे दोस्त हम उसके। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, ये हो क्या रहा है। अबे वो तो हमारा दोस्त है ना यार, ये हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अबे नहीं भाई, और ये कि ये ऊपर से बारिश यार, सोचो मैं भाई बड़े अजीब लोग हैं यार, गए क्या भाई, मुझे लग रहा है यार चले गए। अबे पुलिस अबे पीछे ही है, और ये पुलिस हमारा पीछा कर रही है क्या भाई, मैं निकल रहा हूँ यार ये यहाँ से। भाई एक बात बताओ, अरे नहीं 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 भाई यार देखो ध्यान से चलानी पड़ेगी भाई उनसे बचने के चक्कर में। अरे ये आ गए, भाग भाग भाग, भाई साहब अलग ही आदमी है यार। भाई देखो यार मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है भाई, लेकिन यार ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे हमारा। भाई साहब मेरे को ना सच्ची बता रहा हूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई किस किस तरफ लेके चलो यार। भाई यार सच में यार पूरी गाड़ी का बुरा हाल कर दिया यार इन लोगों ने भाई, इनके चक्करों में हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। भाई एक तो ये पीछे से गोलियां बरसा रहे हैं और ऊपर से यार ये बारिश, सच्ची बता रहा हूँ, और इतना गंदा सिस्टम हो रखा ना काफ़ी ज़्यादा। देखो यार मैं ना थोड़ा बहुत आगे आ चुका हूँ भाई उन लोगों से, लेकिन यार मुझे ना थोड़ी सेफली सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई एक बार आप गाड़ी की हालत देखो यार, भाई साहब एक भी शीशा ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं तोड़ा। एक सेकंड यार सभी है ना यार, देखो फ्रैंकलिन भी है, फ्रैंकलिन का दोस्त भी है, और मैं भी ठीक हूँ यार अभी तक तो। देखो यार मेरे को ना कोई मैटर समझ में नहीं आ रहा भाई, दोस्त इसका था, मेरे को भाई कुछ भी नहीं पता उस बंदे के बारे में यार। मतलब हम लोगों ने आराम से भाई पार्टी की, नाच गाना किया, और यार एक ही दम से उस आदमी ने गोलियां क्यों चलाई। भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तो यार वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे, और भाई फ्रैंकलिन ने है ना मुझे एक लोकेशन दी है यार, ये बता रहा कि ये वहाँ पे है ना एक अंडरग्राउंड पार्किंग है यार, ये है ना कुछ टाइम के लिए वहाँ पर सेफ हो सकते हैं। तो यार मैं ना एक बार उस जगह पर लेके चलता हूँ, बस यार वो लोग ना फिर से ना आ जाए। भाई साहब सच में यार मैं अभी तक कन्फ्यूज में हूँ, अभी क्या क्या मेरा पता नहीं यार, क्या क्या घटिया आदमी है यार। मतलब दूसरी लेन में चला ना, एक तो यार इतना गंदा सीन हो गया, ऊपर से ये बारिश ने दिमाग खराब कर दिया। और एक सेकंड यार हम शायद यार पहुंच ही गए, यहाँ से ये लेफ्ट है भाई, एक सेकंड मिल गया भाई यार, हमें जाते हुए ना देख ले। बस भाई मैं फटाफट है ना यार यहीं पे पार्क करवा देता हूँ। अबे पार्क कहाँ पे करवाऊँ, अच्छा साइड में करवा देता हूँ ना। बस अबे शोर मत मचा। बस भाई यार हमें ना देखो थोड़ी देर के लिए भाई यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता कि यार ये क्या पंगा है। एक सेकंड भाई मुझे ना इसे पूछने दो कि यार ये हो क्या रहा है। भाई देखो यार फ्रैंकलिन बोल रहा है कि यार ये वैसे तो ना उसका काफी अच्छा दोस्त है, जरूर उसे कुछ ना गलत फहमी हुई होगी। अब भाई गलत फहमी की वजह से क्या हमारी जान ले लेगा, पता नहीं यार क्या हो रहा है। अभी तो यार हम ना इस बेसमेंट में अभी यार छुपे हुए हैं भाई, बाकी यार मेरे को पता नहीं है कितनी और देर के लिए हमें यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा। तो बस मेरे भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ।